नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैटर्निटी के इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और मान के चलिए कि ये क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा एग्जाम में। तो देखते हैं कि देखिए आखिर कौन कौन सी बातें हमें इस एक्ट में जाननी है। पहले देख लेते हैं कि आखिर मैटर्निटी बेनिफिट और जो हमारा संविधान है देश का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बीच में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं जो सीधा वुमेन से लिंक होते हैं। ये चीज़ें जाननी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि हाँ भाई ये आर्टिकल जो है क्या कहता है। तो हम देख लेते हैं, तो आर्टिकल 15(3) बोलता है क्या कि इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कीपिंग इन व्यू द वीक पोजिशन ऑफ वीक फिजिकल पोजिशन ऑफ द वुमेन। जो आर्टिकल 15(3) है वो ये बोलता है कि जो है भाई वुमेन के लिए, क्योंकि जो फिजिकल पोजिशन है वुमेन की वीक होती है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बोला कि जो है स्टेट को कुछ ऐसे प्रोविजन करने चाहिए जिससे कि वुमेन को हेल्प मिले। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो है, जो बहुत ही फेमस आर्टिकल है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है जिसका बहुत ही वाइड एक्सप्लेनेशन है। ये भी ये इस बात को कहता है कि जो भाई स्टेट में जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, उनको जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ और असिस्टेंस मिले जिससे कि जो है जो न्यू बॉर्न बेबी है जो आने वाला है एक नया जीवन इस संसार में, उसको वो ठीक से संभाल पाएँ और अपनी हेल्थ का भी ध्यान वो रख पाएँ। ठीक है, इसके अलावा जो DPSP हैं फेमस, ठीक है, वो बताते हैं आपको जो कि पार्ट 4 के अंदर हैं, उसमें आर्टिकल 41 ये कहता है कि जो है राइट टू वर्क एंड टू एजुकेशन। तो भाई राइट टू वर्क कैसे इंश्योर होगा अगर हम जो है भाई वुमेन है, अगर वो प्रेगनेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि जो है वो कुछ टाइम पर काम तो नहीं कर पाएगी, तो क्या कंपनी उसको निकाल दे? ऐसा नहीं, अगर कंपनी उसको निकाल देगी मतलब कि उसका राइट टू वर्क क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो उसका मतलब है कि जो फंडामेंटल मतलब जो प्रिंसिपल है वो हो रहा है वायलेट। तो इसलिए जो है अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो जो गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसे फैसिलिटीज़ लेके आए कंपनी के अंदर या देश में ऐसा एनवायरनमेंट बने कि ये जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको ठीक से बेनिफिट मिले और वो लीगल हो, कि मतलब जो कोई भी कंपनी, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट उसको मना ना कर सके इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 42 ही DPSP का ये बोलता है कि जो कि स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। मतलब कि स्टेट ऐसी कंडीशन बनाए, जो गवर्नमेंट है वो ऐसी कंडीशन डेवलप करे अपने स्टेट के अंदर जिससे कि जो है अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सकें लोग, ठीक, और मैटरनिटी रिलीफ मिले लेडीज़ को। तो ये कुछ एक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं जो कि इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो बनाया गया था वो इन्हीं एक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो अब इस एक्ट में क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। भाई जो इसका ऑब्जेक्टिव है एक्ट का वो ये है कि टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन मदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ द न्यू पर्सन्स बर्थ बाय प्रोवाइडिंग द फुल एंड हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ द वुमेन एंड हर चाइल्ड एट दिस इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन शी इज़ नॉट वर्किंग। कोई लेडी अगर प्रेगनेंट है सबसे बड़ी बात होती है, ठीक, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में जिसका अभी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे खुशी के माहौल में और खुशी का माहौल के साथ में लेडी के लिए स्ट्रेस का माहौल भी होता है कि वो काम भी नहीं कर सकती है और उसकी हेल्थ भी सफ़र करती है इस चीज़ से। तो उसको प्रॉपर जो है मतलब हेल्प मिले गवर्नमेंट से, तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया था। तो इसमें कुछ ये एक्ट तो आया था 1961 में, लेकिन कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं अभी रिसेंट, वो जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए वो जान लेते हैं हम। अमेंडमेंट ये किया गया दोस्तों कि जो है जो लीव पीरियड है, मतलब जो मैटरनिटी लीव पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। अब वो 26 वीक, पहले 12 वीक्स था, अब वहाँ से 26 वीक कर दिया गया। मतलब 26 वीक के लिए जो लेडी है वो लीव ले सकती है अगर वो प्रेगनेंट होती है तो, फॉर 2 चाइल्ड ओनली, ठीक है ना। इसके अलावा जो है हर कंपनी में जिसमें 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हैं लोग, तो वहाँ पर जो है कैच फैसिलिटी ही कर दी है मैंडेटरी। कैच मतलब होता है कि देखिए ऐसा प्लेस जहाँ पर जो है मदर जाके फीड करा सकते अपने बच्चे को, ऐसी फैसिलिटी जो है हर कंपनी में होनी चाहिए जहाँ पर जो 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, ये अमेंडमेंट किया गया है क्यों, जिससे कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, बच्चा पैदा हुआ और मर गया, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फेंट जो है वो मर गया, तो उसका जो रेट है इस समय क्या है वो 1000 अगर बच्चा पैदा होता है इंडिया में तो जो 34 बच्चे तभी मर जाते हैं। तो मतलब 34/1000 इस समय जो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, इसे कम करना। इसके अलावा जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब कि जो माताएं मर जाना, ठीक है, मदर ने बच्चा पैदा किया और वो उसकी डेथ हो गई, तो जो ये रेट है वो कितना है, वो 1 लाख पर 167 मदर्स जो हैं वो ऐसे उनकी डेथ हो जाती है, तो इसको भी कम करना। दोनों ही चैलेंजेस समय इंडिया के पास सामने हैं, सबसे ज़्यादा जो डेथ हैं इन्फेंट और मैटरनल की वो इंडिया में ही होती हैं, तो इसको रिड्यूस करना ये मेन टास्क है गवर्नमेंट का। तो इसीलिए जो है ये एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है कि
जो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो 34 per 1000 है और जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो 167 per lakh लाइव बर्थ है उसको कम करना। यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ भी ये बोलता है कि अगर जो है ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, अगर हम मदर अपनी अपना दूध पिलाते बच्चे को, तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो है हेल्थ के लिए। ठीक है, इससे जो है इन फ्यूचर जो है कितना फ़ायदा होता है, सोचो कि अगर हम $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो आने वाले टाइम में हमें जो $35 का वहाँ पर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 35 गुना फ़ायदा होता है अगर कोई मदर जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है अपना। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए, ये भी गवर्नमेंट का मेन मोटो रहेगा इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, इसलिए ही जो है ये जो भाई इसलिए ही तो जो कैच फैसिलिटी है वो लगाई जा रही है। आपको समझ में आ रही बात, जो कैच फैसिलिटी है वो क्यों इम्प्लीमेंट की जा रही है, इससे कि जो है मदर अगर काम पर जाती भी है तो वो अपना बच्चा साथ में ले जा सकती है और उसको जो है अपना जो है दूध है वो पिला सकती है इजीली, जिससे कि जो है जो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है वो मिल पाए काफ़ी अच्छी मात्रा में। ठीक है, तो दोस्तों जो मेन मेन बात थी मैंने इसमें बता दी आपको, मेन बात कौन कौन सी थी जो आपको इसमें याद रखनी है। एक तो जो लीव पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है, 26 वीक कर दिया गया है। इसके अलावा जो कैश फैसिलिटी है वो कर दी मैंडेटरी है, अगर 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो जो है उस कंपनी में कैच होना चाहिए। इसके अलावा जो है जो इसका ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि टू इम्प्रूव द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड ऑल्सो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में। ठीक है, वो क्या होता है दोनों मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा ये है कि जो ये एक्ट है वो किस किस एस्टेब्लिशमेंट में लागू होता है, जिस भी कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं उन सभी कंपनीज़ में ये एक्ट लागू होता है। मतलब कि अगर किसी कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वहाँ पे लेडी काम कर रही है तो उसको वो जो है इस एक्ट के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है जो मेन पॉइंट्स हैं, क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके अलावा जो एक्ट में मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है, अमेंडमेंट के थ्रू जो भी नई बातें इंक्लूड हुई हैं एक्ट में। अगर आपको समझ में आई ये वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।